बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अफरोज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आज की जो हमारी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है, वो है सैंड के बारे में, जैसा कि रेती के बारे में। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे रेती यहाँ पे है। यहाँ पे आप अगर परचेसिंग कर रहे हैं, रेती जो है आप ख़रीद रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी किस तरह से चेक करना चाहिए, रेती का क्वालिटी किस तरह, जैसे कि लारी वगैरह ठहरी हुई होती है वहाँ पे, किस तरह से आप क्वालिटी चेक करके प्लास्टर के लिए, रफ़ प्लास्टर के लिए, और जो फेयर करते हैं फर्स्ट जो प्लास्टर का जो 12 mm का जो रफ़ कोट होता है फर्स्ट कोट, एंड सेकेंड कोट जो होता है 8 mm का फेयर कोट, वो किस तरह से चेक करते हैं बताता हूँ इस वीडियो में। बने रहिए इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे जूम करता हूँ मैं, थोड़ा सा सामने लाइए कैमरे को, यहाँ पे और थोड़ा सा सामने लाइए, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मटेरियल है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेती है यहाँ पे, ये फॉर प्लास्टर के लिए, रफ़ प्लास्टर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रफ़ प्लास्टर के लिए है। इसमें जो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से जो यहाँ पे स्टोन है, बारीक बारीक से स्टोन, ये सब यहाँ पे आपको रफ़ प्लास्टर में मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो है मीडियम में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो है मीडियम में है, यहाँ पे सेंड है। और एक मैं आपको बताता हूँ स्लैब के लिए किस तरह से आप मटेरियल ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको अच्छा से बताइए यहाँ पे कैमरे में, इसको पूरा अच्छा सा बताइए। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाला जो है स्लैब के लिए है, ये वाला जो सेंड है, और ये वाला जो है यहाँ पे जो बाजुक में है ये जो है प्लास्टिक के लिए, सेंड स्लैब के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कंकर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कंकर बहुत ज़्यादा से मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं स्लैब के लिए। तो ये जो हम लेते हैं इसको सीव करना चाहिए, सीव विद दी हेल्प ऑफ दी छन्नी करना चाहिए। छन्नी जैसा कि 2 नंबर की छन्नी रहेगी रफ़ कोट के लिए, छन्नी करने के बाद किस तरह से प्लास्टर आता है वो भी बताता हूँ। और छन्नी होने के बाद जैसा कि ये जो मटेरियल यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे यहाँ मटेरियल यहाँ पे देख सकते हैं, जो वेस्टेज यहाँ पे स्लैब का जो मटेरियल यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैब का, यहाँ पे इसको सीव किया है फॉर बंदिश के लिए, बंदिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम स्लैब के लिए हम लाते हैं, रेती वगैरह सैंड लाते हैं, वो हम बंदिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के बाद जो भी हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो स्टोन्स वगैरह है ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं फॉर जब हम फर्शी करते हैं, जब यूज़ कर सकते हैं। और एक एक चीज़ बताता हूँ, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है, थोड़ा सा जूम कर इसको, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है फॉर फेयर के लिए है, यहाँ पे सेकेंड कोट के लिए जो 8 mm का जो प्लास्टर आएगा उसी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये बारीक है। जब भी आप परचेसिंग करने के लिए जाएंगे तो आप ये देखना कि इसमें जो छोटा छोटा स्टोन है ये स्टोन रहना चाहिए, ये स्टोन रहना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे हाथ में लेके, ओके, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन। जब भी आप परचेस करने के लिए जाते हैं फॉर प्लास्टर सेकेंड कोट के लिए, फिनिशिंग के लिए, इस तरह से आपको मटेरियल रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बारीक बारीक जो स्टोन है यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ये डस्ट नहीं रहना चाहिए, पूरा ये डस्ट नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे है, किस तरह से रहना चाहिए, इसके अंदर पूरा डस्ट नहीं रहना चाहिए। अगर डस्ट रहेगा आप प्लास्टरिंग करेंगे तो इन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर में डस्ट रहेगा उसके अंदर, मटेरियल के अंदर, तो इन फ्यूचर में क्या होगा, जब भी आप प्लास्टर करते हैं वो निकल जाएगा। तो फर्स्ट जब हम रफ़ कोट के लिए लेते हैं उसके अंदर ज़्यादा स्टोन होना चाहिए, विद हेल्प ऑफ दी हम जो 2 नंबर की जो छन्नी होती है सीव होती है उससे हम सीव करेंगे, और इसको 1 की जो सीव होती है छन्नी होती है इससे सीव करेंगे। बता दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रफ़ कोट यहाँ पे हुआ है विद दी हेल्प ऑफ दी, यहाँ पे जो मैं आपको इससे पहले जो सैंड बताया हूँ, जो रेती बताया हूँ, इससे यहाँ पे रफ़ कोट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। सो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बोलना ये चाहता हूँ, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट से, यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे गैप गैप दिख रहा है, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रफ़ कोट है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से गैप गैप है, यहाँ पे पोर्स होल वगैरह हैं। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। ये रफ़ कोट है, ओके, अब इसमें फाइनल किस तरह से कोट आता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये रफ़ कोट है, ये रफ़ कोट में जो यहाँ पे आप पोर्स देख रहे हैं, मैं जूम कर रहा हूँ, ये फिलअप होना चाहिए
विद द हेल्प ऑफ द सेकंड कोट। जैसा कि फर्स्ट कोट है 12 mm का, सेकंड कोट आएगा 8 mm का, तो दोनों मिला के हो जाएगा 20 mm का। ये पूरे जितने भी ये गैप्स वगैरह आए ये फिलअप हो जाना चाहिए। तो उसके बाद आपको लप्पम जैसा दिखेगा, जैसा कि मैं आपको सेकंड कोट का बताता हूँ। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड कोट में किस तरह से आ जाएगा, ओके देख सकते हैं सेकंड कोट होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको गैप्स वगैरह नहीं दिखेंगे, पूरा फिलअप दिखेगा, ओके ये सेकंड कोट है। विद हेल्प ऑफ दिस सीव छन्नी करने के बाद आपको इस तरह से दिखना चाहिए। और जब फर्स्ट कोट आप जब करते हैं, जैसा कि यहाँ पे रफ कोट यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लम्ब अप में रखना चाहिए। जितना भी आप रफ कोट करेंगे ये प्लम्ब अप में रखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके यहाँ पे देख सकते हैं प्लम्ब अप में रखना चाहिए। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे रफ पोर्शन करते हैं उसको हम प्लम्ब अप में, जैसा कि ये एलिवेशन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जैसा कि पार्किंग है, पार्किंग में यहाँ पे टाइल्स आएंगे इसलिए यहाँ पे रफ कोट किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसीलिए यहाँ पे रफ कोट आएगा। बने रहिए इस वीडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सीव, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दी, जैसा कि यहाँ पे रहती है मैं आपको बताया हूँ ये क्या रहना चाहिए। इसके अंदर स्मॉल जो है स्टोन होना चाहिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है स्मॉल, इसके अंदर स्मॉल स्टोन होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल स्टोन होना चाहिए, इस तरह से स्मॉल स्टोन होना चाहिए, पाउडर नहीं रहना चाहिए। अगर पाउडर हो जाएगा तो इन फ्यूचर में आपको वो क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर में आपको वहाँ पे जो भी आप प्लास्टर करेंगे वो नहीं आएगा। ये फाइनल के लिए, फेयर कोट के लिए ये रेती का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम सैंड इस्तेमाल करते हैं फॉर दी फिनिशिंग के लिए। मैं आपको बताया हूँ यहाँ पर फिनिशिंग किस तरह से करते हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर किया है, यहाँ पर ये जो है प्लास्टर की वहाँ पे बताया हूँ मैं आपको, जो मोटी रहती है उससे यहाँ पे जो स्लैब के लिए लाते हैं उसको सीव करके आप बंदिश और ब्रिक वर्क कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज की वीडियो थी मेरी, क्वालिटी के ऊपर थी, क्वालिटी किस तरह से रहना चाहिए। दोस्तों जैसा कि बहुत सारे लोग ने मुझके बोला है, जैसा कि सर फ़िल्टर की जो रेती आती है, फ़िल्टर की रेती का क्या हिसाब है, फ़िल्टर की रेती हमें परचेस करना चाहिए क्या नहीं परचेस करना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ, चाहे वो रेती जो रेती हो या सेंड हो, फ़िल्टर की हो क्या भी हो, उसके अंदर जैसा कि मैं आपको क्वालिटी बताया हूँ ना, वैसी क्वालिटी रहना चाहिए। जो भी पाउडर डस्ट के टाइप में नहीं रहना चाहिए। जब भी आप सेंड खरीदने के लिए जाएंगे, परचेस करने के लिए जाएंगे फॉर प्लास्टरिंग सेकेंड कोट के लिए, वो पाउडर नहीं चाहिए, उसके अंदर बारीक सा स्टोन रहना चाहिए, उसको ग्रिप मिलेगा, पाउडर नहीं रहना चाहिए। और सेकंड कोट फर्स्ट कोट के लिए आप मीडियम रेती लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, स्लैब के लिए भी काम में आएगी, फॉर प्लास्टरिंग के भी लिए, फर्स्ट कोट के लिए काम में आएगी। दोस्तों आज की अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिए। अगर ये रिलेटेड ये वीडियो से आपको कोई डाउट है तो वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स रहेगा, नीचे आप कमेंट करेंगे तो आपको मैं न्यू वीडियो बनाऊँगा। और कुछ कमेंट है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डॉट क्लियर करने के लिए। और दोस्तों वहाँ पे ऊपर आई बटन देख सकते हैं, आई बटन में आपको दूसरे भी वीडियो मिल सकते हैं, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे वीडियो मिलेंगे। लास्ट में एंड का लास्ट में आपको स्क्रीन एंड स्क्रीन मिलेगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी प्ले लिस्ट है आपको वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक हो सकता है इसको फ्रेशर सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब, सॉरी फ्रेशर सिविल इंजीनियर को शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो बेल आइकन का बटन रहेगा उसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो मेरे न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, हम एज़ सून एज़ पॉसिबल न्यू वीडियो में मिलेंगे। हमारी जो न्यू टॉपिक होगी वो होगी कंक्रीट के ऊपर होगी, किस तरह से हम कंक्रीट खरीदना चाहिए, उसका साइज़ किस तरह से रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, टेक केयर सेल्फ।